पूजा मैम आप, अरे मैम आप पागल हो गई हैं क्या? इस कूड़े वाले के पैर छू रही हैं। अरे शीतल ये कोई कूड़े वाली नहीं है, ये मेरी पूजा मैम है। इनके साथ मैंने बहुत साल स्कूल में पढ़ाई करी है। ये मेरी हिंदी की टीचर थी, बहुत ही प्यारी। मैम ये कैसी बात कर रही हैं? ये कूड़े वाली आपकी टीचर कैसे हो सकती है? और आपने इनको छुआ भी हुआ है, आप खुद भी कितनी गंदी हो जाएंगी। अरे ऐसी बात नहीं है शीतल, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? वैसे मैम आप ये झाड़ू क्यों लगा रही हैं? आपने पढ़ाई छोड़ के ये सब क्या हुआ, कैसे हुआ ये सब? बेटे कुछ ऐसा वक्त आ गया कि मेरे को ये करना पड़ा। इतने भी क्या बुरे हालात आ गए मैम? आप तो पढ़ी लिखी है, एजुकेटेड है, आपको तो कहीं भी नौकरी मिल सकती है, कहीं भी जॉब मिल सकती है, और आप ये सब करते हो, बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे। मेरा बड़ा दिल दुखा आपको इस तरीके से देखकर। आप बिल्कुल मेरी माँ जैसी हैं। शीतल ये बहुत ही अच्छी इंसान है और इनका बहुत एहसान है। आज जो मैं इतनी बड़ी गाड़ी में घूम रही हूँ, इतना बड़ा ऑफिस है मेरा, ये सब कुछ इन्हीं की देन है। इन्होंने मुझे इतना अच्छा गाइड करा। अगर कोई अच्छा गुरु अपनी जिंदगी में आ जाए तो शिष्य की लाइफ तो वैसी चमत्कारी जैसी हो जाती है। वही हाल मेरा था इनके साथ। मैम आई एम रियली सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आपकी टीचर रह चुकी हैं। आई एम रियली सॉरी मैम। बेटे मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप जिंदगी में इतना आगे बढ़ी हो। मुझे आप अपने गुरु होने पर बड़ा मान हो रहा है कि मैं तुम्हारी जैसी शिक्षा की गुरु थी। तुम्हारी जैसी शिक्षा तो सबको मिलनी चाहिए। अरे बिल्कुल मैम, मुझे बहुत दुख हो रहा है आपके ये हालात देखकर। ऐसी क्या मजबूरी आ गई मैम जो आप ये इस तरीके से सड़क पे झाड़ू लगाने का काम कर रही हैं? प्लीज मुझे बताइए। बेटे मेरे पति को कैंसर हो गया था, उनकी देखरेख में जितना पैसा था जो भी था मेरे पास सब कुछ लग गया। उनकी डेथ हो गई और उसके बाद मेरी एक बेटी थी, उसने भी देखा कि मेरी माँ अब मेरा कुछ करने लायक नहीं रही, उसने भी मेरे को छोड़ दिया, तो मेरे को ये काम करना पड़ा। लेकिन आप मेरे गुरु हो और मुझे बिल्कुल देखकर अच्छा नहीं लग रहा कि आप मेरे ही ऑफिस के बाहर झाड़ू लगा रहे हैं। मुझे ये बिल्कुल देखना जरा, आप बच्चों को ट्यूशन पढ़ा लेते, कहीं जॉब कर लेते, आप पढ़े लिखे थे मैम। हाँ बेटा, लेकिन मैं इतनी टेंस थी, इतने डिप्रेशन में थी, मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। मेरे को वो सारी बातें बहुत भारी लग रही थी करना, मेरे को यही इजी लगा, मैं यही करा। मैं इस वक्त बहुत परेशान हूँ। बेटे आजकल की पढ़ाई में बहुत अंतर आ चुका है, कोर्स आपको पता ही है, सारे कोर्स चेंज आ चुके हैं। कौन, और मेरी ये एज देख के, एज फैक्टर भी है ना बेटे, कौन अपने बच्चों को मेरे पास भेजेगा ट्यूशन पढ़ने के लिए? और सबको पता है कि घर में इसके क्या प्रॉब्लम चल रही है, और जिस घर में प्रॉब्लम चल रही होती है ना बेटे, वहाँ कोई साथ नहीं देता, कोई नहीं समझता इस बात को। हाँ बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, आजकल के सारे प्राइवेट स्कूलों के बच्चे ट्यूशन भी वहीं भेजते हैं जहाँ पे हाई फाई टीचर्स होते हैं। उन्हें लगता है कि इनको क्या पता होगा, ये तो बूढ़े हो चुके हैं, सबकी सोच नहीं बदल सकते। बट आप काम करिए, आपको यहाँ झाड़ू लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए मैम आप मेरे साथ, मैं आपको अपने ऑफिस में जॉब दूंगी। शीतल मैम को गाड़ी में बैठाइए। आप आगे बैठ जाइए। अरे माँ तुम यहाँ भी आ गई, शर्म तो आती नहीं होगी? जहाँ देखो वहां मुंह उठा के चली आती हो, औकात दो काड़ी की तुम्हारी है नहीं। अरे बेटा, अरे रहन दे, मुझे ना अच्छी तरह से पता है तुम्हारे बारे में, तुम आगे पीछे मेरे क्यों घूमती हो? क्योंकि मैं कुछ पैसे दे दूं या घर में रख लूं, पर मैं ऐसा करने वाली नहीं हूं। नहीं बेटा तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा तो कैसी बात है? हाँ कहीं भीख नहीं मिल रही, ये जीने के लिए जिंदगी कम पड़ गई है, ये जगह नहीं है तुम्हारे पास रहने के लिए, जगह तो तुम्हारे पास सच में नहीं होगी। मेरा ना फैसला सही था, तुझे घर से निकालेगा, बाप के जाने का, कमाई का तो तेरे पास कोई जरिया ही नहीं रहा। ये किस तरीके से बात कर रही हो तुम मैम से? तुम्हें पता भी है वो कौन है? और तुम्हारी हिम्मत कैसे उनसे इस तरीके से बात करने की? मैं तो बस एक चपरासी को उसकी औकात दिखाई, इसकी औकात भी नहीं हमारा उसमें आके बैठ सके, हमारा सोफा गंदा कर दिया। किस तरीके से बोले जा रही हो उल्टा सीधा? तुम्हें पता भी है कौन है? ये ना मैम की टीचर है, और इस तरीके से तुम बात कर रही हो, तुम्हें पता है इसका अंजाम क्या हो सकता है? शर्म आनी चाहिए अंकिता तुम्हें। अरे तुमने भी किसी स्कूल में पढ़ाई करी होगी, और अपनी टीचर के साथ क्या तुम इसी तरीके से बात कर रही हो? यही संस्कार है तुम्हारे?
अरे इतनी अच्छी है मैम, उन्होंने मुझे इतने अच्छे संस्कार दिए, अच्छी शिक्षा दी है। आपने बताया नहीं मैम आपकी स्टूडेंट है? बताया नहीं, अरे कुछ बताने जैसा रह गया क्या? अगर तुम जैसे बच्चे होने लगे ना हर पेरेंट्स के, तो उनको रोड पर भीख मांगनी पड़ जाएगी। I'm sorry, मुझे माफ कर दीजिए मां, मुझे माफ कर दो। ये सब छोड़ो, तुम ये बताओ तुम यहाँ पे करने क्या आई हो? मैम बस डील साइन करवाने आई थी। मैम आप ही बताइए हमें क्या करना चाहिए, इसको ये डील देनी चाहिए या नहीं? अरे शीतल आप ही कैसी बात कर रहे हो, सोच भी कैसे सकती हूँ मैं सपने में भी इस इंसान को डील देने की, जिन्होंने मेरी माँ जैसी एक माँ की इतनी बेइज्जती करी। पकड़ो अपनी फाइल और निकलो यहाँ से। मैं सड़क में आ जाऊंगी, प्लीज मेरे बारे में कुछ सोचिए तो सही, मैंने इतना लोन ले रखा है इस डील को क्रैक कराने के लिए। अच्छा तो तुमने अपनी माँ के बारे में सोचा था जब उनको घर से बाहर निकाला था? तुमने एक बार भी ये सोचा कि वो कहाँ जाएंगी क्या करेंगी? अरे तुम्हारे पापा मर गए थे, इसके बाद भी तुमने ये नहीं सोचा कि मेरी माँ कैसे रहेंगी? उल्टा जब उनके पास कमाने का जरिया नहीं रहा तो तुमने इनको घर से बाहर निकाल दिया। क्यों? क्योंकि अब वो तुम्हें खिला नहीं सकती, इसलिए ना। अरे तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम जैसे बच्चों को तो ना डूब के मर जाना चाहिए। मैम मुझे माफ कर दीजिए, माँ प्लीज मुझे माफ कर दो। मैम अगर आज आपने इसको माफ कर दिया ना, तो जो बच्चे अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाल देते हैं ना, उनको बढ़ावा मिल जाएगा। तो प्लीज मैम अगर आप मेरी माने ना, तो इसको ये डील मत देना। अरे शीतल कभी भी मैं इस इंसान को माफ नहीं कर सकती, नहीं तो हर उस बच्चे को बढ़ावा मिल जाएगा जो अपने पेरेंट्स को बूढ़े होते ही बोझ समझने लगते हैं। अरे भूल जाते हैं कि उस माँ का एहसान मरते दम तक नहीं खत्म हो सकता जिसने 9 महीने अपने कोख में पाला, बड़ा किया, तुम्हारी सुसु पोटी साफ करी, अरे रात रात की नींद खराब करी इस बच्चे को बड़ा करने में कि वो बड़ा होके एक दिन मेरा नाम रोशन करेगा, मुझे खिलाएगा पिलाएगा, बुढ़ापे का सहारा बनेगा। लेकिन वो बच्चा आज अपने माँ बाप को घर से बाहर फेंक देता है सड़क पे झाड़ू लगाने के लिए। सही कह रहे हो मैम, और इसको तो ये भी नहीं सूझा कि मेरी माँ को आज जरूरत है, लेकिन नहीं इसने सोचा कि कमाती नहीं है तो इसको बाहर फेंक देते हैं, जहाँ मर्जी जाए मरे या जिए। अरे तुम जैसी औलाद होने से अच्छा ना ये बे औलाद होती तो ही अच्छा होता। अरे ये क्या, हर वो माँ उसको औलाद ही ना हो जिसके ऐसे बच्चे होते हैं, बच्चों के नाम पे कलंक, माँ को सड़क पे छोड़ देते हैं कि वो भीख मांगे, सड़क पे झाड़ू लगाए, किसी के घर में झाड़ू पोछा करे। अरे अच्छा खासा कमाती हो, इतनी अच्छी पढ़ाई कर रखी है, इनकी शिक्षा का मान तो रख लीजिए थोड़ा सा, उनकी पढ़ाई का कि इन्होंने 100 बच्चों लाखों बच्चों के भविष्य को सुधारा है, उनको पढ़ाया है। खड़ी क्या हो, निकलो यहाँ से। आप रोइए मत और दुखी मत होइए, आपकी एक बेटी गई दूसरी है, उसने तो वैसे भी आपको सड़क पर छोड़ दिया था रोने और भटकने के लिए। आपको मैं अपने घर रखूंगी, मेरे पास भगवान का दिया इतना तो है कि मैं आपको बैठा के खिला सकती हूँ। ठीक है एक फ्लैट का इंतजाम कर दो। हाँ मैं अभी कर दूँ।